सर मैं आपके लोकेशन पर बस 2 मिनट पहुंच रहा हूं। प्लीज़ सर आप 2 मिनट वेट कर लीजिए, मैं आपके लोकेशन पर पहुंचने ही वाला हूं। हाँ जी हाँ जी सर, 2 मिनट बस, 2 मिनट। ओके ओके। ये तो बहुत टेस्टी है। सही कहा है किसी ने कि फ्री के खाने में ना बहुत मजा आता है। अरे यार ये डिलीवरी बॉय कहाँ रह गया है? भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। ये डिलीवरी बॉय भी ना पूरे कामचोर हो रहे हैं। अच्छा हो यार तू आ गया, मैं तेरा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। आप जल्दी से मेरा खाना दे दे, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। सॉरी सर, वो रास्ते में ना जाम बहुत था इसलिए मैं थोड़ा आने में लेट हो गया, अभी मैं देता हूँ। अरे खाना कहाँ गया? इसी में तो रखा था। अरे क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहा है? सर वो खाना नहीं मिल रहा, मैंने इसी में रखा था। खाना कहाँ गया? सही सही बता, तूने खाना कहाँ करा है? चुपचाप से ना मुझे मेरा खाना दे दे, मुझे पहले ही बहुत तेज भूख लग रही है और मैं इस खाने के ना पैसे पहले ही पे कर चुका हूँ। मुझे नहीं पता कहीं से भी खाना ला के दे, खाना दे मेरा। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इसी बैग में खाना रखा था आपका, पता नहीं कहाँ गया, कहीं वो गिर तो नहीं गया? सुन बे, मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम लोग ना फ्री का खाना खाने के लिए ना लोगों का खाना गायब कर देते हो, और ये तुमने पहली बार नहीं करा है। तुम जैसे और भी लोग हैं जो यही बहाना मारते हैं। और हाँ मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे ना या तो मेरे पैसे दे दे या मेरा खाना दे दे, समझ में आया? सर मैं सच बोल रहा हूँ, जब मैं दुकान से निकला था तो आपका खाना इसी बैग में रखा था, पर यहाँ तक आते आते पता नहीं मेरे बैग से वो खाना कहाँ चला गया। सुनो ए, तू मुझे बेवकूफ समझता है? खाने में क्या पैर लगे थे जो अपने आप कहीं भी चला गया? मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, या तो खाना दे या पैसे दे। भैया मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ी मजदूरी पे काम करता हूँ, मैं आपके पैसे कहाँ से ला के दूंगा? और भैया मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खाना इसी के अंदर रखा था। सुन अभी तो तुझे मैंने एक थप्पड़ मारा है, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम जैसे लोगों का। अभी रुक, मैं तेरे स्टोर में फ़ोन करता हूँ, फिर तुझे पता लगेगा कि चोरी करना क्या होता है। वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने आपका खाना इसी के अंदर रखा था। अच्छा ठीक है, नहीं करता मैं तेरे स्टोर में फ़ोन। एक काम कर, मुझे मेरे ना 500 रुपये दे दे और तू जा यहाँ से। 500 रुपये? सर 500 रुपये मैं आपको कहाँ से दूंगा, इतना तो मैं पूरे दिन में नहीं कमाता। अच्छा बेटा तू ऐसा नहीं मानेगा, रुक तू, अभी तेरे मैनेजर को कॉल करनी पड़ेगी। सर सर प्लीज सर ऐसा मत करिए, प्लीज सर सर ऐसा मत करिए। हेलो भैया आप प्लीज फोन काट दीजिए। क्या हुआ मैडम, कौन हो आप? देखिए जो भी कुछ हुआ है ना इसमें डिलीवरी बॉय की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। जब ये कॉल पर बात कर रहा था तो मैं पीछे से आकर इसका खाना चुरा लिया था, और मैंने जो भी किया सब अपनी मौज मस्ती में किया। मुझे लगा सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी नौकरी पर आ जाएगी। वो तो अच्छा हुआ ये सब मैंने देख लिया, वरना मुझे अपनी गलती का कभी एहसास ही नहीं होता। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, आज मेरी वजह से आपकी नौकरी जाने वाली थी। अरे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? देखने में तो तुम अच्छे खासे घर की लग रही हो, तुम्हारी वजह से ना आज इस बेचारे की नौकरी जाने वाली थी, और तो और मैंने इसमें हाथ भी उठा दिया। आई एम रियली सॉरी। और आपने अपने खाने के 500 पे किए थे ना, तो आप मुझसे 500 रुपये ले लीजिए। इस पैसे का ना असली हकदार मैं नहीं ये है। भैया ये पैसे आप रखिए और प्लीज़ मना मत करिए, और हाँ हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको जाने अनजाने में थप्पड़ ही मार दिया और आपको चोर भी समझा। चोर आप नहीं, चोर तो ये लड़की है। कोई बात नहीं भैया, मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि मैं जब दुकान से निकला था तो आपका खाना लेके निकला था, और रास्ते में इन मैडम ने चुरा लिया। हम डिलीवरी बॉय गरीब जरूर होते हैं लेकिन साहब चोर नहीं। आई एम सॉरी भैया, आगे से ना मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।